योगी जी को सुनने, योगी जी को बहुत बार सुना भी हूँ, यूपी में जौनपुर का रहने वाला हूँ। उनकी केवल वही है भ्रष्टाचारी और जलाल। भारतीय जनता पार्टी चार महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे की संपत्ति है, किसी की संपत्ति नहीं है। जो काम करेगा जनता के बीच में, जो आएगा वही काम करेगा, वही पाएगा। पालघर जिल्ह्यात आहोत, पालघर लोकसभेची पण निवडणूक आहे आता। पालघर लोकसभा निवडणूक में तिरंगी लढत आहे, बहुजन विकास आघाडी बद्दल काय? बघा, मी बोलण्यापेक्षा इकडची जनता जनतेला माहिती आहे। बहुजन विकास आघाडी कुठल्या नीतीवरती निवडणूक लढते ही पूर्ण वसविरारला माहिती आहे। त्यांचे हितेंद्र ठाकूर असं म्हणतात की आम्ही एक नंबरला जाऊ। शक्य आहे का सर? शक्य तरी आहे का? योगी जी को खाली देखने आए का? नाही, योगी जी को देखने आए, मोदी को जिताने भी आए हैं, 400 पार भी। महाराष्ट्र न्यूज चैनल मधून मी दीपक कोटेकर, आज नालासोपारा शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टी तर प्रदेशचे जे मुख्यमंत्री आहेत योगी आदित्यनाथ, ते या ठिकाणी येणार आहेत आणि सगळ्यांना संबोधित करणार आहेत। पालघर लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आलेला आहे, जाणून घ्या कशा प्रकारचं वातावरण भारतीय जनता पार्टीने महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे। सर, कशा प्रकारचं वातावरण आहे आणि कशा प्रकारची या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं? आज कृषी योगी आदित्यनाथ जी यांची जी सभा आहे आणि ही एक ऐतिहासिक सभा आपल्या वसईमध्ये होणार आहे आणि ही विजयाची सभा आहे। कार्यकर्त्यांमध्ये अत्यंत उत्साह आहे, शिवसैनिकांमध्ये अत्यंत उत्साह आहे। किती वाजेपर्यंत येण्याची वेळ आहे मुख्यमंत्री जे उत्तर प्रदेशचे योगी जी आहेत? साधारण 12 वाजेपर्यंत। शिवसेनेमध्ये कसं वातावरण आहे? शिवसेनेमध्ये अत्यंत उत्साहाचं वातावरण आहे, अत्यंत उत्साह आहे सगळ्या शिवसैनिकांमध्ये। सर जी, नाम बताइए आपका। मेरा नाम सत्यनारायण सोनी जी है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं इधर ही नालासोपारा है। और आपका गांव? गांव राजस्थान है। राजस्थान से। किस तरीके का माहौल आप मानते हैं? माहौल तो चारों तरफ मोदी लहरी है। हाँ। और आपकी बार 400 पार 100% होने वाला है। लेकिन विरोधक तो कुछ और कहते हैं, बोलते कि 150 पार भी नहीं होंगे। अरे बोलने वाले चाहे कुत्ते कहते ना, कितने भी भोगे, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपकी बार 400 पार है, क्योंकि जिस तरह मोदी जी ने जो कार्य किया है। राजस्थान में कितने सीट आएंगी? राजस्थान में मैं 25 से 25 ही 90% आएगी, 100% आएगी। आपल्या सोबत काही वरिष्ठ नागरिक देखील आहेत, त्याचा नाम बताइए। मैं माता कृपाल उपाध्याय, भाईंदर में रहता हूँ। मेरा भाईंदर का संगठन मंत्री भी हूँ। योगी जी को सुनने के लिए मैं आया हूँ। योगी और मोदी का नाम तो पूरे विश्व में ही चल रहा है। 400 के पार की नारा दे रहे हैं मोदी जी। 400 क्या, सवा 400 के ऊपर ही जाएंगे। योगी जी ने जो काम किया है यूपी में, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री कभी नहीं किया। तो मैं योगी जी को सुनने, योगी जी को बहुत बार सुना भी हूँ, यूपी में जौनपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ से माननीय कृपा शंकर सिंह जी हमारे लड़ने के लिए गए हैं जौनपुर से, वहाँ का मैं हूँ, वहाँ भी जाऊँगा। तो 400 सीट, 400 पार, 400 पार, 450 पार। मोदी की लहर अब जाग उठी, भाजपा को हराना मुश्किल है और कमल पुष्प खिल उठा उसको मुरझाना मुश्किल है। अत्याचार घोटाले बहुत हुए, उसको भूलो अब। भैया, भाजपा दल एक ऐसा है जो पार लगाए कि नहीं यार। भाजपा को मतदान करो, मोदी को हरदम ले आओ और भारत की दुर्दशा मिटा करके अपने दिल में हर्षाओ। यदि नहीं करोगे ऐसा, तो सभी लोग पछताओगे अपने जीवन में। भैया, ये अवसर कभी न पाओगे। भाजपा की सरकार बने, बस यही हमारी इच्छा है और कमल पुष्प बटन दबाओ, यही हमारी इच्छा है। जय श्री राम। मोदी के इस राज्य में कहीं भ्रष्टाचार और जनता खूब सराहती, अच्छी है सरकार। मेरे प्यारे साथियों, सदा रहो होशियार, मेरे पर ऐसा कभी मत कीजिए, मत जाए बेकार। मोदी के इस राज्य में जनता है खुशहाल, क्योंकि केवल वही है भ्रष्टाचारी और जलाल। भारतीय जनता पार्टी चार, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहेत, महायुतीचे जे कार्यकर्ते आहेत, त्यांच्यामध्ये प्रचंड उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतो। सर, क्या कहेंगे, क्या किस तरीके का माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, भगवामय है पूरा। और मोदी जी को लाना चाहिए, हमारे देश के लिए, देश की बात है जहाँ, तो मोदी जी को आना चाहिए, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किया है ना, वो कोई नहीं कर पाएगा। और जो जो कांग्रेस ने काम करके गया, उसको तोड़ना मोदी जी को जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे की संपत्ति है, ऐसा कहा जाता है। उद्धव ठाकरे की संपत्ति नहीं, किसी की संपत्ति है, उनके नाम की संपत्ति, किसी की संपत्ति नहीं है।
जो काम करेगा जनता के बीच में जो आएगा वही काम करेगा वही पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड जो बना के गया हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखदाई है। ना हमारी सरकार कुछ काम कर पाएगी ना कोई कोर्ट कर पाएगा। जो करेगी मोदी जी जब वो तो कानून तोड़ेंगे तभी जाकर के 400 पार आएगी और कानून टूटेगा तब जाकर के हम लोगों का काम आगे बढ़ेगा। आपण एकंदरीत जर पाहिलं आपण तर खूप असं आनंदाचं वातावरण, काय 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 वाटतं, कशा प्रकारचं वातावरण वाटते? वातावरण 400 पार आहे पक्का पक्का। 4 जूनला 400 पार हे नक्की। तुम्हाला तरी काय वाटतं की बाबा परत 70 वर्षात तो काँग्रेसचा भ्रष्टाचार परत सुरू करावा का? 2014 अगोदरची असलेली रूटची अवस्था परत तशी ठेवायची का? 2014 नंतर झालेला देशाचा विकास, मग मेट्रो असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला, त्यानंतर वंदे भारत एक्सप्रेस असेल, देशात आज सोयी सुविधा वाढल्यात, त्या परत काँग्रेसला आणून परत ते तसेच भ्रष्टाचार सुरू करायचे का? तुम्हाला माहिती 2014 अगोदर काँग्रेसने काय काय भ्रष्टाचार केले? आपण रोज पेपरची बातमी काढायचो, त्या पेपरच्या बातमीमध्ये रोज भ्रष्टाचार असायचा, रोज कुठला ना कुठला। आपण पालघर जिल्ह्यात आहोत, पालघर लोकसभेची पण निवडणूक आहे, आता पालघर लोकसभा निवडणुकीमध्ये तिरंगी लढत आहे, बहुजन विकास आघाडीबद्दल काय बघा, मी बोलण्यापेक्षा इकडची जनता जनतेला माहिती आहे बहुजन विकास आघाडी कुठल्या नीतीवरती निवडणूक लढते ही पूर्ण वसईविरारला माहिती आहे। त्यांचे हितेंद्र ठाकूर असं म्हणतात की आम्ही एक नंबरला जाऊ, शक्य आहे का सर? शक्य तरी आहे का? दोन खाडीतला पक्ष आहे, पक्ष पण नाही ही संघटना आहे, आणि तो पालघर जिल्ह्याचा पूर्ण वाडा जवा डहाणू विक्रमगड या सगळ्या प्रदेश याच्यामध्ये एक प्रचार मला दिसला नाहीये। ते तर म्हणतात की आम्ही वसईविरारचा विकास केलाय, काय विकास केलाय? आज तुम्ही वसईविरार मध्ये आज 4 वर्ष झाले प्रशासन आहे, त्याच्यामुळे रोडचे काम वगैरे होत आहेत, तुम्हाला 30 वर्षात साधा इकडचं पाणी पाण्याचा प्रश्न नाही मिटवता आला, 30 वर्षात जागोजागी पाणी भरत होतं, आव्हा नालासोपऱ्यात कमरे इतक्याला पाणी होतं पावसाळ्यात, ते तुम्ही हा तुमचा विकास आहे। किती मतांनी विजय होतील हेमंत सावरा? हेमंत सावरा कमीत कमी 2 लाख मतांनी पालघर मधून लीड घेते, तर वसईविरार मधून आता तुम्हाला गॅरंटी सांगतो वसईविरारच्या परिसरातून हेमंत सावरा 1 लाख मताच्या लीडनी येणार आहे। हेमंत सावरा 1 लाख मताच्या लीडनी येणार, आपल्यासोबत काही महिला जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू, काही काय सांगाल, कशा प्रकारचं वातावरण सुरू आहे? आमची बार 400 पाय पक्का पक्का। तुमचं मत काय काय वाटतं, तुम्हाला पालघर मध्ये किती मतांनी हेमंत सावरांचा विजय? पालघर मध्ये हेमंत सावरांचा नाही सांगेल पण प्रचंड मतांनी, भरघोस प्रचंड मतांनी, पण प्रचंड मतांनी काय विजय? डॉक्टर हेमंत सावरा सुशिक्षित आहे, ठीक आहे, आणि त्यांनी एवढे काम पण केले आहे, त्यांनी लोकांसाठी आपले पालघर जिल्ह्यामध्ये हॉस्पिटल वगैरे सगळं केले आहे। काय वाटतं तुम्हाला, काय वाटतं बीजेपी येणार पालघर जिल्हा? बीजेपीच्या म्हणून बीजेपी येणार नाही, तसं नाही, जनतेला पण माहिती आहे कोणाला वोट द्यायचंय, कोणी चांगलं काम केलंय, जनतेला सगळं माहिती आहे, तर नक्कीच आहे की पालघर जिल्ह्यामध्ये बीजेपी पक्कीच आहे, येणारच आहे। काय काम करते जनता बघते, कोण काय काम करते जाणून घेण्यात आपण पुरेपूर प्रयत्न करूया, इथे इथे जनता जागृत झाली असं सुद्धा म्हणणं आहे। सर नाम बताइए आपका? संतोष तिवारी। किस तरीके का माहौल पालघर में लग रहा है, आज योगी जी आ रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का रहने बनारस। तो आप मोदी जी को, योगी जी को खाली देखने आए क्या? नहीं, योगी जी को देखने आए, मोदी को जिताने भी आए हैं, 400 पार भी। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि इस बार भाजपा तड़ी पार हो गया, ऐसा विरोधक कह रहे हैं? ऐसा नामुमकिन है, नामुमकिन है, भाजपा ही आएगी, 400 पार कर पाएगी भाजपा? 100%। सर सर नाम बताइए आपका? अशोक गुप्ता। कहाँ से आए? यूपी से? यूपी से हूँ, यही रहते हो। योगी जी को सुनने के लिए आए? योगी जी सुनने आए, योगी देखने आया, योगी जी जैसा नजदीक आना, योगी जी जैसा कोई भी लीडर अभी नहीं है इस समय, ये समझे कि मोदी के बाद योगी ये देश संभाल सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के लोग ऐसा कहते हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है वो हमारे साथ है। देखिए उद्धव जी क्या कहते हैं उनकी बात 5% लोग भी नहीं समझते, न सुनते हैं न उस पर अमल करते हैं। हम सभी लोग इस समय पूरे विश्व में, इंडिया के बाद छोड़िए, मोदी के बाद योगी की बात सुनते हैं, उनकी तुलना बड़े बड़े नेताओं से होती है, उनके जैसा लीडर, मोदी लीडर इस पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कोई नहीं है। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर या ठिकाणी कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे। थोड्याच वेळात उत्तर प्रदेशचे जे मुख्यमंत्री आहेत आदित्यनाथ योगी जी त्या ठिकाणी येणार आहेत आणि सभेमध्ये जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत त्यांना संबोधित करणार आहेत।
हेमंत विष्णू सावरा यांच्यासाठी मताचा जोगवा मागणार आहे. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज बसविला.